बीबीसी दुनिया में आज देखिए, जाकिर नाइक पर मलेशिया में बीबीसी की एक्सक्लूसिव पड़ताल। भारत में वांटेड जाकिर नाइक मलेशिया में कितना महफूज, क्या है उनसे लेकर आम लोगों की राय, और जाकिर को भारत लाना कितना मुश्किल। बीबीसी ने तलाशा हर सवाल का जवाब। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। आज कवर स्टोरी में जाकिर नाइक पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पर उससे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमला, 8 लोगों की मौत की पुष्टि, मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी शामिल, कई घायल। सेना में महिलाओं को गैर लड़ाकू मोर्चों पर मिलेगी कमान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई स्थायी कमीशन पर मुहर, कहा मानसिकता बदलनी होगी। निर्भया के दोषियों के लिए दिल्ली की कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट, 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी। क्या होगा पाकिस्तान में रह रहे अफगानी लोगों का, यह तय करने के लिए हो रही है यूएन की अहम बैठक। पाकिस्तान में लाखों की संख्या में रहते हैं अफगान शरणार्थी। बताएंगे क्या हुआ जब पिता की मौत के जिम्मेदार से मिला एक बेटा। इंडोनेशिया में चरमपंथी हमलों को रोकने के लिए चल रही है अनोखी मुहिम। इनमें से कुछ की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। जाकिर नाइक इस्लाम पर लंबे लंबे लेक्चर देकर चर्चा में आए इस शख्स की भारत की जांच एजेंसियों को तलाश है। कई गंभीर आरोपों में घिरे जाकिर ने मलेशिया में पनाह ली है। जाकिर नाइक के लिए मलेशिया क्यों है दुनिया की सबसे महफूज जगह, कवर स्टोरी में यही पड़ताल। जाकिर नाइक पर भारत में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन मलेशिया में जाकिर का रुतबा अलग है। उनका घर प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के घर के करीब है, वो वीआईपी इलाके में नमाज पढ़ते हैं, कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। बीबीसी टीम ने जाकिर नाइक को ना सिर्फ तलाश लिया बल्कि मुलाकात भी की। देखिए कुआलालंपुर से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक पिछले कुछ सालों से यहाँ मलेशिया में रह रहे हैं, भारत में वांटेड हैं और यहाँ मलेशिया की सरकार ने उन्हें पनाह दे रखी है। इस समय हम कुआलालंपुर के सिटी सेंटर में हैं और हम पता लगा रहे हैं कि जाकिर नाइक रहते कहाँ हैं, तो हम अपना सफ़र अब शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? इस वक्त हमने अपना सफ़र कुआलालंपुर से शुरू किया है और हमें पता चला है कि वो पुत्रा जाया इलाके में रहते हैं जो यहाँ से 40 मिनट की दूरी पर है। हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमसे नहीं मिलते हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमें मना कर दिया है, लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं तो कम से कम हम आपको ये दिखा सकते हैं कि वो रहते कहाँ, क्या करते हैं और ये कि यहाँ के समाज ने उन्हें स्वीकार किया है या नहीं। 40 मिनट के सफ़र के बाद कुआलालंपुर से हम यहाँ पुत्राजाया पहुँचे हैं। ये बड़ी मस्जिद पीछे आप देख रहे हैं, ये पुत्राजाया मस्जिद है जहाँ पर हमें पता लगा है कि जाकिर नाइक नमाज़ पढ़ने जुमे की यहाँ पर आते हैं। कुछ समय अभी नमाज में बाकी है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस मस्जिद में वो अक्सर जुमे की नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये मस्जिद हाई सिक्योरिटी जोन में है। पुत्राजाया मॉडर्न मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पर सारी मिनिस्ट्रीज़ के दफ्तर हैं और इमारतें हैं, प्रधानमंत्री का भी दफ्तर यहीं है। यहाँ तो उनसे मिलना मुश्किल है, हम उनके घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब नमाज शुरू होने वाली है। इस वक्त हम पुत्राजाया में हैं और तमारा रेसिडेंस के बाहर है जहां पर जाकिर नाइक रहते हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ। जुबैर, जुबैर अहमद। हम अंदर गए थे, सिक्योरिटी वालों ने हमें रोक दिया जाने से और हमसे ये कहा गया है कि हम थोड़ी देर में आए। कुछ घंटे बाद हमें अंदर बुलाया गया, जाकिर नाइक हमसे मिले
लेकिन उन्होंने हमसे ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि उनका बीबीसी पर ट्रस्ट नहीं है। जुबैर अहमद, बीबीसी, पुत्रजाया, मलेशिया। मलेशिया के लोग भारत के जिन गिने चुने लोगों के नाम से जानते हैं उनमें जाकिर नायक सबसे ऊपर है। जाकिर को मानने वालों का बड़ा दायरा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो उनका विरोध करता है। So give us some big names from India. Oh, I know like Zakir Naik. मैं सिर्फ जाकिर नाइक और गांधी को जानता हूँ, इन्हीं दो लोगों के बारे में जानता हूँ। जाकिर नाइक इस्लामी उपदेशक हैं, वो भारतीय हैं, वो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाते हैं और लोगों को मुसलमान बनाते हैं। बेशक शाहरुख खान एक नाम जानता हूँ क्योंकि यहाँ उन्हें सम्मानित किया गया है, और दूसरे हैं जाकिर नाइक, वो एक मशहूर उपदेशक हैं और इन दिनों यहाँ मलेशिया में रह रहे हैं। मलेशिया के मुस्लिम युवाओं के विचार जाकिर नायक के बारे में, वो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के बीच एक बड़े स्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं। मलेशिया में जाकिर नायक के बारे में दो राय हैं, एक उन्हें स्वीकार करता है और दूसरा उनका विरोध करता है। धर्मों के बीच तुलना, इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहना और सार्वजनिक सभाओं में धर्म परिवर्तन कराना यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता और असुरक्षा बढ़ा रहा है। इससे यहाँ के मल्टीकल्चरल समाज में तनाव पैदा हो रहा है। यह है जाकिर नायक के शागिर्द जमरी विनोद। 16 साल की उम्र में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में प्रवेश कर गए। अब जाकिर नायक की तरह ही इस्लाम का प्रचार करते हैं। There won't be so much complaint about religion when come to बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों को जाकिर नायक से कोई शिकायत नहीं है। हिंदुओं में कुछ लोग ही उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहाँ का हिंदू समाज डॉक्टर जाकिर नायक से डरा हुआ है, क्योंकि जब डॉक्टर नायक प्रचार करते हैं तो कई लोग इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते हैं। समाज में फैल रहा तनाव सोशल मीडिया पर भी नजर आता है। यह है सोशल एक्टिविस्ट AK अरुण। ये जाकिर नायक और उनके साथी प्रचारकों का विरोध करने का साहस पिछले 3 सालों से करते आए हैं। उनके शागिर्द उनके प्रवक्ता की तरह हैं, जिनमें से एक हिंदू था जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया है। वो इंडियन मलेशियन के खिलाफ बोलता है। एक चीनी मलेशियन है जिसने इस्लाम कबूल किया, वो चीनी धर्म और संस्कृति पर अटैक करता है। जाकिर नाइक ने खुद को इसी तरह से मलेशिया में सुरक्षित किया हुआ है। साइकोलॉजिकल टेररिज्म, द वे आई वुड प्रेफर टू पुट, मनोवैज्ञानिक आतंकवाद का खेल खेला जा रहा है। अरुण जैसे लोग चाहते हैं कि मलेशिया सरकार जाकिर नायक को भारत वापस भेज दे, लेकिन सरकार ने अगर ऐसा किया तो इसे जाकिर नायक के समर्थकों के कड़े विरोध और बहुसंख्यक मलय मुस्लिम समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। एक मलेशियन होने के नाते अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस इंडिया जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा, क्योंकि फिलहाल भारत उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अगर वहाँ सरकार बदलती है तो देखेंगे। Have been changed. प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की सरकार जाकिर नायक का आदर करती है, लेकिन इसने इस्लामिक प्रचारक को सियासी बयानबाजी से गुरेज करने को कहा है। जाकिर नायक जब भारत में थे तो उनके बारे में लोगों की राय बटी हुई थी। मलेशिया में उनकी मौजूदगी से यहाँ का समाज भी बट सा गया है। जुबैर अहमद, BBC, कुआलालंपुर, मलेशिया। जाकिर नायक इस्लाम का प्रचार करने के पहले डॉक्टर थे। उन्होंने साल 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम का NGO बनाया। इस NGO ने धर्म पर लेक्चर देने के लिए PEACE TV नाम का चैनल शुरू किया, जिस पर भारत में बैन है। साल 2016 से भारतीय जांच एजेंसियों को जाकिर की तलाश है, उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। भारत उनका पासपोर्ट रद्द कर चुका है और उनके अकाउंट फ्रीज है, लेकिन मलेशिया की सरकार उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने से मना करती रही है। वहीं जाकिर खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में बसे अफगानिस्तान के शरणार्थियों की बात और इंडोनेशिया में शांति की एक अलग सी पहल। BBC दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अफगानिस्तान की बात, एक ऐसा मुल्क जो लगभग 18 सालों से संघर्ष से जूझ रहा है और जिसकी वजह से उसके ज्यादातर बाशिंदों ने अपने मुल्क से दरबदर होकर दूसरे देशों में शरण ली है। इनमें भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के भविष्य पर चर्चा हुई राजधानी इस्लामाबाद में। इसके लिए 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 4 दशक पहले साल 1979 में अफगान शरणार्थियों का पाकिस्तान आना शुरू हुआ, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। तब भी लोगों ने वहां से पलायन किया और तालिबान के शासन के वक्त भी पलायन किया। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में करीब 45 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं और ये दुनिया में शरणार्थियों की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता की कोशिश में भी पाकिस्तान ने भूमिका निभाई। अभी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। अफगानिस्तान में पिछले 18 सालों से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए सहमति बन गई है और इस महीने के आखिर में इस पर दस्तखत भी हो जाएगा। पाकिस्तान में हो रहे सम्मेलन में शिरकत कर रहे कई लोगों को उम्मीद है कि एक दिन अफगान शरणार्थी अपने वतन वापस लौट सकेंगे। और इस पूरे मसले पर क्या कहा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, आइए वो सुनते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बातचीत से हिंसा को कम करने में मदद मिलेगी, खासकर वो हिंसा जो नागरिकों को नुकसान पहुंचाती है। हिंसा को कम करना शांति प्रक्रिया के लिए भरोसा कायम करने और समर्थन जुटाने के लिए जरूरी भी है, ताकि स्थायी राजनीतिक हल और संघर्ष विराम की ओर बढ़ा जा सके और ऐसी स्थितियां विस्थापितों और शरणार्थियों की शांतिपूर्ण घर वापसी के लिए मददगार होंगी। और अब खबर बाली से, जिनकी वजह से किसी ने अपनों ने किसी की जान गंवाई हो, उनसे मिलकर कैसा लगता है। साल 2002 में इंडोनेशिया में बम धमाके हुए जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसकी जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े एक स्थानीय चरमपंथी संगठन ने ली थी। ऐसे चरमपंथी हमलों को रोकने के लिए इंडोनेशिया ने एक अनोखी पहल की है, जहां हमलावरों को पीड़ितों से मिलवाया जा रहा है। एक बेटा उस हमलावर से मिला जिसकी वजह से पिता ने जान गंवाई थी। इस मुलाकात की गवाह बनी बीबीसी संवाददाता रेबिका हेंचके। गैरल के पिता टैक्सी चलाते थे। जिस दिन धमाके हुए वो तब यही बाली के इस पर्यटन स्थल में सैलानियों का इंतजार कर रहे थे। विस्फोट के बाद ये है उनकी कार की हालत। यहाँ वो अपनी माँ के साथ उस शख्स से मिलने आए हैं जिसने उनके पिता को मारा था। अली इमरान आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बाली में हुए धमाकों के लिए उनके भाइयों को फांसी दी जा चुकी है। atas dasar apa pelaku ini melakukan seperti ini? Yang katanya Islam. Islam mana yang membunuh saudaranya sendiri? Teman-teman saya diantar bapaknya, adik-adik saya, sekolah SD. Nggak pernah merasakan diantar sama bapaknya pada sekolah. Kalau sampean cerita seperti itu saya tahu. Sampai yang tersiksa, tapi saya lebih tersiksa. Kesalahan yang saya lakukan itu tidak bisa ditebus oleh apapun. Itu saya sadar, saya percaya dan saya yakin sampai sekarang. Ditebus oleh apapun tidak akan terbayar. Ye log ek ghante tak baat karte rahe, phir kuch asadharan hua. Saya udah maafin. Terima kasih banyak. Maaf. Maaf. Sama-sama. Sudah jadi anak soleh. Amin. Amin. Dosanya diampuni Allah. Amin. Terima kasih banyak. नफरत को प्यार से जीतने की पहल। और ब्रेक के बाद चेन्नई की तीरंदाजों से मुलाकात। तो मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। तीरंदाजी भारत के परंपरागत खेलों में से एक, पर भारत ने इस खेल में कुछ ही चैंपियंस पैदा किए। चेन्नई की कुछ लड़कियां ना सिर्फ चैंपियन बनने की बल्कि 2024 में ओलंपिक मेडल जीतने की भी तैयारी कर रही हैं। कितना दम है उनकी तैयारी में, देखिए बीबीसी संवाददाता जय कुमार की रिपोर्ट। आंखों में सपने और नजरें लक्ष्य पर, यह है चेन्नई की तिरंगदाजी टीम। मेरा नाम युवासरी है। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन के दौरान तीरंदाजी के बारे में जाना। हमारे जैसे कुछ लोगों को इसके बारे में बताया गया। करीब 500 लोगों ने तीरंदाजी में दिलचस्पी दिखाई, फिर इस खेल के गुर सीखे। इनमें से 4 लोगों को ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए चुना गया, जिनमें से मैं भी एक थी। साल 2019 में स्टेट चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। अब मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रही हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट नंबर 1। इन खिलाड़ियों का कहना है कि बाकी खेलों के मुकाबले तिरंगदाजी में महिलाओं को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। महिलाओं को इस खेल में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों में निक्कर पहननी पड़ती है, पर तीरंदाजी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब इन खिलाड़ियों की नजरें 2024 के ओलंपिक्स पर हैं। अब मैं प्रोफेशनल तीरंदाज हूँ। पहले प्रोफेशनल आर्टिस्ट थी। मैंने अपना फोकस बढ़ाने के लिए इस खेल को चुना। जनवरी में मैंने प्रैक्टिस शुरू की और अक्टूबर में सिल्वर मेडल जीत लिया। इन्हें पूरा भरोसा है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी। और जामिया में हुई हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसी पर कीर्तिश का कार्टून। और कार्यक्रम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं @BBC सारिका पर। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।